हाँ जी, जिस तरह से देश के अंदर अलग अलग ज़िलों से, हरिद्वार से, रायपुर से, हिंदू धर्म सांसद से बयानबाजी आ रही है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? धन्यवाद पत्रकार बंधु। मैं राष्ट्रीय लोक दल का प्रदेश उपाध्यक्ष होने के नाते ये जो भाषा का इस्तेमाल हो रहा है हरिद्वार रायपुर, मैं इसकी घोर निंदा करता हूँ और अफसोस करता हूँ इस बात पर कि वहाँ पर संत, जिम्मेदार लोग, हिंदुस्तान के नागरिक, जिनको हम लोग अपना धार्मिक गुरु मानते हैं, वो ऐसी भाषा इस्तेमाल करते हैं। ऐसी उम्मीद नहीं थी। हमारे हिंदुस्तान में गंगा जमुना की तहजीब और एक बेहतरीन मुल्क है हमारा, कि यहाँ पे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब प्यार से रहते हैं। लेकिन ये जो भाषा का इस्तेमाल हो रहा है इस तरह का, ये जो मुद्दे हैं, सरकार मुद्दों से बात को भटकाना चाहती है। ये धार्मिक उन्माद फैला के जो मेन मुद्दे हैं, बेरोजगारी के, महंगाई के, इसको मुद्दे से हटाना चाहती है, क्योंकि चुनाव आ रहा है 2022 का। यहाँ सिर्फ ये हिंदू मुस्लिम यही करना चाहते हैं, इनके पास कोई और मुद्दा ही नहीं है। हिंदू मुस्लिम, मंदिर, मस्जिद, पाकिस्तान, आतंकवाद, ये मुद्दे इनके मेन होते हैं। विकास का कोई मुद्दा नहीं होता। आप देख लो, हर चीज़ 100 के पार, डीजल 100 के पार, पेट्रोल 100 के पार, सिलेंडर 1000 के पार, यहाँ तक के सरसों का तेल 200 के पार। आप सेब ले लो, अमरूद ले लो, गरीब आदमी फल भी नहीं खा सकता, और जो फल बेचते हैं ठेली पे, वो भी उनका भी नहीं बिक रहा है, इतना मंदा देश में आ गया है। इन मुद्दों को भटकाने के लिए, क्योंकि जो सरकार है ना, तो हिंदू की है, ना मुसलमान की है, ना मजदूर की है, ना किसान की है। ये सरकार अडानी की और अंबानी की सरकार है, सिर्फ उनको फ़ायदा पहुँचाना चाहती है। अभी साढ़े तो धर्म से जुड़े लोग थे, इन धर्म सांसद थी, इसमें तो कुछ सियासी लोग नहीं थे, तो फिर आप कैसे जोड़ रहे हैं इसको? देखिए, इनको सर्टिफिकेट कौन दे रहा है, कौन दे रहा है सर्टिफिकेट? ये कहीं ना कहीं बीजेपी के लोग हैं, इनके पीछे संघ है, और ये संघ के लोग हैं, इसीलिए ये चुनाव का माहौल गर्मा रहे हैं। इसको फ़ायदा किसको होगा? जब हिंदू मुस्लिम होगी, सीधा सीधा बीजेपी को फ़ायदा होगा, वरना 4.5 साल में तो कोई ऐसी बात हुई नहीं। अब चुनाव आ गया है सर पे, तो अब इनको मुद्दा याद आ गया, मंदिर, मस्जिद, जय श्री राम, हिंदू मुसलमान, पाकिस्तान, यही करते हैं और क्या है। वरना नौकरी है नहीं, युवा बेरोजगार है, कोई कारोबार है नहीं, हर चीज़ पे महंगाई है, महंगाई का मुद्दा, बेरोजगारी का मुद्दा, युवा बेरोजगार है, नौकरी है नहीं, बार बार पेपर लीक हो रहा है। तो ये मुद्दों को भटका के इस पे हिंदू मुस्लिम पर लाते हैं चुनाव को, कि हिंदू अलग हो जाए, मुसलमान अलग हो जाए, तो हम आराम से। तो क्या लगता है आपको, इससे जो है बीजेपी को फ़ायदा हो रहा है? हम बीजेपी को फ़ायदा होता है, लेकिन हिंदू भी समझ चुका है, क्योंकि हिंदू भी परेशान है कि भाई ये हिंदू मुसलमान करके सिर्फ गद्दी पर बैठना चाहते हैं और अपना फ़ायदा चाहते हैं। तो इस बार हिंदू मुस्लिम सब मिल के विकास के लिए वोट करेंगे, और 2022 में बीजेपी की सरकार नहीं आएगी। यहाँ पर अखिलेश यादव और जयंत चौधरी का गठबंधन सरकार में आएगा, एक तरफा माहौल है। अब ये मुद्दा सब समझ चुके हैं, हिंदू मुस्लिम नहीं चलेगी। वहाँ पर FIR भी हो चुकी है रायपुर में भी और हरिद्वार में भी। देखिए, मुझे प्रशासन पर पूरा यकीन है, FIR हो चुकी है, उनके खिलाफ़ कार्रवाई होगी, और मैं मांग करता हूँ उनके खिलाफ़ सख्त से सख्त कार्रवाई हो।